वहीं कटनी में ब्याज सूद खोरों की प्रताड़ना से परेशान होकर रेलवे कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें, मृतक का नाम दीपक बर्मन था और वह रेलवे में पायलट की पोस्ट पर पदस्थ रहा। मरने से पहले रेलकर्मी ने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें उसने सूद खोरों के नाम का साफ जिक्र किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ा भाई एक महीने पहले मुझे फ़ोन में बताया था कि उसको कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तो उसने मार्केट में ब्याज पर से पैसा उठाया था कुछ लोगों से। सर, जब मुझे ये सब जानकारी हुई तो मैंने खुद लोन उठा के, मॉर्गेज लोन उठा के इसका 5 लाख रुपए लगभग चुकता किया। उसके बाद ही सर ये जो ब्याजखोर लोग हैं, ये लोग इसके पीछे और पड़े होंगे। इस चक्कर में सर इसने कल घर में फांसी लगा ली। सर, जब हम अस्पताल लेके आए सर, उसके जेब से सर एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने लिखा है कि ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं। ये 7 लोग हैं सर। अमित नायक का नाम है, पाशु अन्ना, नवीन गर्ग, शिवांश जायसवाल, अभिषेक गौतम, रूपेश। सर, रूपेश ये है, इसमें लिखा है कि रूपेश ने मेरी बाइक छीन ली थी, बाइक रखा है, और इसने शायद मारपीट भी की इसके साथ। और सर राकेश तिवारी, 4/2024 को शाम के समय सूचना प्राप्त हुई थी अमित वर्मन के छोटे भाई के द्वारा कि एक हमारा बड़ा भाई है, वो रेलवे में लोको पायलट के रूप में काम करता है, रोशन नगर में निवास करता है, फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। उसी प्रकरण में हम लोगों ने मर्ग जांच पे अपने स्टाफ को भेजा था, तो उन्होंने वहां पे जाकर क्राइमी करी मर्ग की, और उसमें एक सुसाइड नोट आज बरामद हुआ है, जिसमें 7 लोगों के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उसमें कुछ लोगों के द्वारा पैसों का लेन देन